हेलो बच्चों, कि लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। और कम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने कंसीडर किया था, इसके बाद पावर ऑफ लेंस डिस्कस की थी, देन पॉलिशिंग, ठीक है ना, कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कि अगर लेंस के एक साइड को सिल्वर कर दिया जाए तो इसके बाद लेंस बिहेव एज ए मिरर, और वो डिस्कशन हमने किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आज हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पे, फिर आगे हम प्रॉब्लम पे आते हैं। कि देखो, लेंस अगर हमारे पास कोई भी लेंस दिया हुआ है, चाहे ये कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस, अगर लेंस को हम इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये एक्सिस के अराउंड अगर कट कर दें, अलोंग दिस लाइन, तो ये हमारे पास इस लाइन के अबाउट कट करेंगे लेंस में तो क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखो, फोकल लेंथ, ये जो पीस होंगे हमारे पास, ये दोनों पीस आ रहे हैं ऐसे, इस दोनों पीस में हमारे पास ये दोनों पीस आ रहे हैं यहाँ पे, और इन दोनों पीसेज में फोकल लेंथ रिमेंस सेम। क्या कहेंगे फोकल लेंथ? तो देखो, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है ना बच्चे, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना, गामा नेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिमेन सेम, ये सेम रहेगा बच्चे, रिमेन सेम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चेंज आएगा? तो चेंज आएगा यहाँ पे, तो जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ब्राइटनेस ऑफ इमेज रिड्यूस टू, हाँ, अगर यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सेस है और इस लाइन के अलोंग आपने कट किया, तो हाफ ये पार्ट है हमारे पास, हाफ पार्ट ये है, यहाँ भी हाफ पार्ट ये आपका लेंस आ रहा है और ये भी हाफ पार्ट आ रहा है बच्चे। तो ये दोनों हाफ पार्ट में हमारे पास लेंस जो है, ठीक है ना, वो ऐसे एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी, यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इमेज की इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है ना बच्चे। तो इमेज की इंटेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगी और ब्राइटनेस वगैरह सब एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर। चलिए, ये हमारे पास पार्ट था, इसका हमने बताया कि इस तरीके से अगर कट करते हैं तो क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड, सेकेंड हमारे पास आता है यहाँ पे, अगर लेंस को हमने ऐसे कट कर लिया, ठीक है ना, ये लेंस है और इस लेंस को इस तरीके से कट कर दिया, या ये लेंस हमारे पास है
इसको हमने इस तरीके से कट करते हैं। तो देखो इस तरीके से कट करने से क्या चेंज आएगा, कट अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग हमने कट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे करके प्लेस कर लिया, तो ये लेंस का एक पीस ये बन जाएगा, ये दूसरा पीस ऐसे बन जाएगा, ये लेंस। इस लेंस में देखो एक पीस हमारे पास ये बन जाएगा ऐसे, दूसरा हमारे पास ये, ये दो पार्ट में इस तरीके से, इसके दो पार्ट ये हो गए और इसके दो पार्ट बच्चे ये हो गए, इस तरीके से लेंस आपका आ जाएगा। और जब इस तरीके से लेंस आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन देख रहे हो, तो ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, ये आर टू हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, आर वन यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा और आर टू की वैल्यू बच्चे आर टू रहेगा। इस केस में देखो आर वन आपके पास आर वन रहेगा, आर टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आर वन इन्फिनिटी हो जाएगा और आर टू की वैल्यू आर रहेगी। ये हमने चेंज जो आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे फोकल लेंथ जब निकालोगे तो वन बाई फर्स्ट लेंस इसकी अगर बात करें, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड पीस ले लेते हैं और ये फोर्थ। अब इन चारों में देखो फोकल लेंथ वन बाई एफ वन अगर इसकी बात करें तो वन बाई एफ वन इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन, आर टू की वैल्यू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। और इसी तरीके से वन बाई एफ टू अगर बात करें हमारे पास तो म्यू माइनस वन, ये वन बाई आर वन इन्फिनिटी है, माइनस माइनस आर टू हो जाएगा, तो ये माइनस आर टू हमारे पास ये आ जाएगा प्लस। तो ये फोकल लेंथ हमारे पास आ रही है, यहाँ पे दोनों की फोकल लेंथ देखो पॉजिटिव होगी, लेकिन दोनों की फोकल लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, हो रही बच्चे की नहीं, यहाँ पे भी देखो चेंज हो जाएगी फोकल लेंथ हमारे पास वन बाई आर थ्री अगर देखे तो म्यू माइनस वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी, और वन बाई आर फोर अगर डिस्कस करें तो म्यू माइनस वन बच्चे माइनस ये हमारे पास आर वन इसका इन्फिनिटी है माइनस माइनस और ये प्लस आ जाएगा वन बाई आर, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ रहे हैं। जबकि ओरिजिनल लेंस अगर हम दिया हुआ है यहाँ पे तो ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू प्लस हो जाएगा, ये ओरिजिनल लेंथ की फोकल लेंथ यहाँ भी देखो इसका वन बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन और ये माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ये आ जाएगा। तो जो फोकल लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे बच्चे वो फोकल लेंथ टोटली इस केस में चेंज हो जाएगी, और अगर फोकल लेंथ हमारे पास चेंज होती है बच्चे तो फोकल लेंथ चेंज होने से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना, फोकल लेंथ हमारे पास अगर ये चेंज होती है बच्चे यहाँ पे कंडीशन, तो फोकल लेंथ से इधर देखो ये फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ से ये और ये, लेकिन दोनों की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंडेंट हमारे पास आ रही है, दोनों की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिपेंडेंट आ रही है खाली, यहाँ पे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिपेंडेंट म्यू माइनस वन आर वन आर टू आ रहे। अगर ये दोनों इक्वल होती, इधर देखो R1 और R2 अगर दोनों इक्वल होते यहाँ पे तो ये दोनों फोकल लेंथ सेम हो जाती, और सेम हो जाती तो हमारे पास ये क्या हो जाती डबल, मतलब फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे अगर फोकल लेंथ की डिस्कशन करें तो इस केस में हमारे पास फोकल लेंथ बच्चे इंक्रीज कर जाएगी ऐसे केसेज में, ठीक है ना। शीतल प्रेजेंट हुई, शीतल शीतल आवाज आ रही, शीतल आवाज आ रही कि नहीं, हेलो
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन हमने देख ली कि इसको ऐसे कट करने से क्या चेंज आएगा। अब अगर ये चेंज हम यहाँ पे करते हैं बच्चे, अगर इसको ऐसे करने से हमारे पास ये चेंज आता है, तो देखो फोकल लेंथ अगर चेंज होती है तो क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज, फोकल लेंथ चेंज कर जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या चेंज होता है, इसके पोजीशन ऑफ इमेज चेंज हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज ये भी चेंज होगी बच्चे, नेचर इसका जो है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन हम कहे बात करें, मैग्निफिकेशन भी चेंज हो जाएगा, साइज की बात करें साइज चेंज हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज चेंज हो जाएगा, ये फैक्टर हमारे चेंज कर जाएंगे यहाँ पे बच्चे। और जो चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेंस एज सच, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेंस सेम, ये बच्चे चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी हमारे पास। तो ये कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है कि अगर इस तरीके से लेंस में अगर चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। क्लियर हुआ कि कट करने से क्या क्या चेंज आता है। अब हम इस पे प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना, पावर पे सब पे, ये पार्ट डिस्कस करने के बाद। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम ये दी हुई है कि एक लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस ये है, और इस कॉन्वेक्स लेंस पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये ओपी डायरेक्शन है, ये ओपी डायरेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन दी हुई है, और इसके करस्पॉन्डिंग इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। देखिए इमेज किधर जा सकती है, तो इसका इमेज